26 जुलाई से हो रही लगातार बारिश से शिवपुर जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले में सभी प्रमुख नदियां और नाले उफान पर चल रहे हैं। वहीं अधिकतर गांवों में ग्रामीणों के घरों में पानी भरने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने एसपी संपत उपाध्याय के साथ मोर्चा संभाल लिया है और स्वयं बाढ़ से प्रभावित इलाकों में प्रभावितों की मदद करने में जुटे हुए हैं। वहीं कर्मचारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का आकलन जल्द से जल्द तैयार करने का आदेश भी कलेक्टर के द्वारा दिया जा चुका है। अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय ने बताया कि जिले में भारी वर्षा के कारण प्रमुख पुलिया और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और कुछ स्ट्रक्चर खतरनाक स्थिति में आ गए हैं, जहां आने जाने पर कोई भी क्षति हो सकती है। खतरनाक हो चुके स्थलों की बैरिकेडिंग कराई जा रही है और चेतावनी सावधानी सूचक बोर्ड भी लगवाए जा रहे हैं। जहां बिजली के पोल टूटे हुए हैं, उनको शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे बिजली आपूर्ति बहाल हो सके। वहीं विजयपुर की जीवनदायिनी कुंवारी नदी भी उफान पर आ गई है, जिससे कोठारी पैलेस में चल रहे शादी समारोह में फंसे 150 लोगों को रेस्क्यू टीम द्वारा सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं विजयपुर क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से ग्वालियर शिवपुरी मुरैना शिवपुर कोटा बारा जाने वाला रास्ता बंद हो चुका है। जहां एक तरफ जिले में भारी बारिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की टीम भी लगातार मुस्तैदी से बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित ठिकानों में पहुंचाने के साथ साथ उनके रहने खाने का इंतजाम करने में भी जुटी हुई है। शिवपुर से धीरज बालोटिया की विशेष रिपोर्ट।